हाय फ्रेंड, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं किचन विद प्रतिभा। आज हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तोरी की सब्जी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 केजी तोरी। इसे गिलकी, नेनुआ आदि नामों से भी जाना जाता है। तोरी को छील करके अच्छे से साफ पानी से धो करके काट लें। हमने इसे इस तरह से काटा है, आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। फिर हमने ले लिया है 1 कटोरी उबला हुआ चना, 1 प्याज और 1 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, इसे भी हमने इस तरह से काट लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे कूट करके ले लिया है। अब कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और गरम होने देंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटकने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे कटी हुई मिर्च। मिर्च को कुछ सेकंड भूनेंगे, फिर डाल देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ, इसे भी कुछ सेकंड भूनने के बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसे हल्का कलर चेंज होने तक ही पकाना है। जब हमारा प्याज की कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा टमाटर। टमाटर सॉफ्ट हो जाए फिर हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच मसाला। सब्जी मसाला है ये, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे हम थोड़ा पानी से घोल कर डाल देंगे। मसाला घोल कर डालने से सब्जी की टेस्ट थोड़ी और बढ़िया हो जाती है। इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लग जाए। देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे चना और चने को चलाते हुए भूनेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें अपना तरोई डाल देंगे। तरोई डाल करके इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट ढककर पकाएंगे, क्योंकि तोरी बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये पानी वाली सब्जी होती है, इसमें लौकी तोरी इसे बहुत पानी निकलता है, तो इसे हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इस प्रोसीजर के दौरान बीच में 1 से 2 बार इसे वापस चलाएंगे भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी तोरी अगर कम पानी जोड़ती है तो वो चिपकने का डर रहता है। अगर सब्जी चिपक जाए तो इसकी टेस्ट ही पूरी बेकार हो जाती है, इसलिए बीच बीच में 1-2 बार चला भी लें। फिर आप वापस से ढककर वहीं उसे पकने दें। 5 से 7 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी सब्जी बन करके इतनी अच्छी से तैयार है, यानी कि सारी पानी सूख चुकी है, थोड़ा थोड़ा है। तो 2 मिनट और कड़छी से चलाते हुए पकाएंगे। इस तरह से देखिए सब्जी कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी फ्लेम कर देंगे बंद। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होता है। आप इसे रोटी, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए यह बहुत ही टेस्टी होती है। सिंपल सी सब्जी है, लेकिन हाँ आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।